प्रशासन के नाल गलबात करन दे लई पहुंचे तां किसानां दी गड्डियां दे शीशे ही तोड़ दिते गए ने। जी हाँ, दरअसल इल्जाम भी हुण किसानां दे वल्लों पुलिस दे उपर लगाए जा रहे हैं कि पुलिस दे वल्लों उन्हां दी गड्डियां दे शीशे तोड़े गए ने। दरअसल मामला जींद तो सामने आया जिथे कि किसानां दे वल्लों लगातार अपनियां मंगां नूं लैके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कई इलाकों के प्रशासन के वल्लों इंटरनेट सेवावां बंद कर दित्तियां गईयां सी, लोकां दीयां शिकायतां किसानां दे कोल जा रहीयां सी, तां किसान आगू प्रशासन दे नाल गलबात करन दे लई पहुंचे सी। इस तों पहलां कहा जा रहा है कि जींद दे विच पुलिस दे वल्लों किसानां ते लाठीचार्ज भी किया गया सी, तां उस मसले नूं लैके भी जदों प्रशासन दे नाल गलबात करन दे लई पहुंचे तां जिवें ही किसान गलबात करन लई अंदर गए तां बाहर खड़ियां गड्डियां दे उन्हां दे शीशे तोड़ दिते गए। जी हाँ, इल्जाम भी उन्हां दे वल्लों पुलिस के उपर लगाए गए हैं, जिस तो बाद मौके के उत्ते माहौल काफ़ी भक गया। तस्वीर भी इसनों लैके सामने आई ने, जिस दे विच साफ देखा जा सकता है कि गड्डिया के शीशे भन्ने हुए ने। तो कहा जा रहा है कि करीब 10 गड्डिया के शीशे पुलिस के वलों तोड़ दिते गए हैं और कई तरीके के हुण सवालिया निशान किसानों के वलों पुलिस के उपर लगाए जा रहे हैं। कल से यहाँ पर किसान डटे हुए हैं और किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहते थे, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कुछ करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की तानाशाही और प्रशासन की बदसलूकी के कारण उनको बॉर्डर पर रोका गया। जबकि ये पहली बार हुआ कि पहले तो ये किसानों के जुम्मे लगाते थे, किसान रोड रोकते, अब प्रशासन 3 दिन से रोड रोके हुए है, यहाँ पर नेट बंद कर रखे, प्रशासन तानाशाही कर रहा, पानी वाटर कैनन से वो ये जहरीली गैस भी उड़ाई गई है, टीयर गैस भी उड़ाई गई है और प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई गई है और आज हमारे साथ भी बदसलूकी की। हम क्योंकि कल हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया था, जैसे ही हमें पता चला कि हमारे किसान भाइयों को गिरफ्तार किया गया है और जायजती की गया, गांव गांव में लोगों को रोका गया है, सबके मुंह बंद कर दिया गया है, ये तानाशाही प्रशासन कर रहा है। हमें पता चला तो प्रशासन से हम बातचीत करने आए थे, हमारा डेलीगेट आया था संयुक्त किसान मोर्चा का और आज हमारी ये गाड़ियों को तोड़ दिया। कितनी गाड़ियों नुकसान हुआ? कम से कम 10 गाड़ियों का नुकसान है। एसकेएम के 50 के लगभग हमारे जो इलाके के जींद इलाके के जितने भी संगठन है, किसान संगठन, वो सभी आए थे, क्योंकि हमारे पास 72 गांव के लोग आके सब इसने कहा था भाई हमें एक नेत्र तो देके ना आगे करके ने भेजा था यहाँ पर कि आप जाइए, प्रशासन ने इतनी तानाशाही कर रखी है, सभी गांव में नाके लगा रखे, किसी को लोगों को नहीं निकलने देते, लोगों का दम घोट रखा है, तो कुछ साथियों को किसान भाइयों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसने एसपी ने बताया कि 4 किसानों ने स्वयं एसपी ने माना है, लेकिन बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत हम करने गए पीछे से हमारी गाड़ियां तोड़ दी। ये तानाशाही रवैया सरकार का है, सरकार खुद चाहती है कि प्रदेश के अंदर देश के अंदर दंगे भड़काए जाए, इसलिए हम कहते हैं कि इस सारी जिम्मेवारी सरकार की और सरकार एक मोनोपोली अपनी एक पॉलिसी के तहत इस प्रकार का करा रही है ताकि लोग बढ़के, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से इस सरकार से एमएसपी लेना चाहते हैं। सरकार ने चाहिए कि हमें एमएसपी देने का काम करे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का काम करे और जो किसान मजदूर के कर्जे है वो माफ करने का काम करे, हमारी यही तो मांगे है हमने को, लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार किसी भी कीमत पर एक दंगे भड़काना चाहती है प्रदेश के अंदर। हम किसी की हिम्मत पर सहन नहीं करेंगे और हम ना कि जा पाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, अब ऐसे तो लग रहा है कि नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन देखो किसान लड़ेगा और जीतेगा, संघर्ष जारी है, समय लग सकता है, एक हमने भी अब आगे जैसे भी संयुक्त किसान मोर्चा जो आगू नेता और रणनीति बनाएंगे हम उसके अनुसार, हमारी नियत और नीति है कि शांतिपूर्वक तरीके से हम आंदोलन करें और शांतिपूर्वक तरीके से जिस प्रकार हमने 13 महीने लड़ाई लड़ी है, मोदी सरकार को झुकाने का काम किया था, काले कानून वापस करवाने का काम किया था, इसी प्रकार हम शांति से आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार तानाशाही और बरगलाने पर लगी हुई है, लोगों में एक धार्मिक प्रचार करना चाहती है और सरकार जो स्वयं जुम्मेवार है जो इस प्रकार की गुंडागर्दी सरकार स्वयं करना चाहती है, सड़कों पर कील गाड़ दी, वाटर कैनन का प्रयोग किया, जबकि शांतिपूर्ण तरीके से किसान बैठे हुए हैं, लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल वो तो लगातार आप देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना रखा है, लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं सरकार के इस तानाशाही से किसान मजदूर ना झुकने वाला ना डरने वाला, हम जरूर हम दिल्ली पहुंचेंगे,
और हमारी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। आजाद पालवा सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा।